माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी सृष्टि समाई है। माँ कहें या जननी, ये एक ऐसी उपाधि है जिसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। बदलते वक्त ने माँ की जिम्मेदारियों में हर दिन कुछ बढ़ोतरी जरूर की है, लेकिन जिम्मेदारियों के बढ़ते बोझ और दबाव के बाद भी उसकी औलाद के प्रति ममता न फीकी पड़ी न कमजोर हुई। माँ के इसी रूप को संजोए रखने के लिए हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या महज ये एक दिन नारी के स्वरूप के प्रति चिंतित होने से समाज, देश और विश्व की सारी जिम्मेदारियां, सारे फर्ज पूरे हो जाते हैं? नहीं ना। तो उठिए, समझिए और जागरूक बनिए नारी के स्वरूप के प्रति। पलटिए अतीत के पन्ने और जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों माँ की सुरक्षा के प्रति चिंतित होने की जरूरत है। और अगर नहीं जानते तो सुनिए, गर्भधारण से संबंधित दिक्कतों के चलते दुनिया भर में हर मिनट एक माँ मौत का शिकार होती है और अकेले भारत में सालाना 70,000 से भी ज्यादा महिलाएं मातृत्व सुख की ओर बढ़ते हुए काल के गाल में समाती हैं। आपको और हमें मौत के इन्हीं आंकड़ों पर विराम लगाना है। और कोशिश मुकाम तक तब पहुंचेगी जब समाज, देश, पूरा विश्व माँ के स्वरूप को संजोने की प्रतिज्ञा में खुद को तत्पर रखेगा। ये ग्रीन टीवी का सरल संदेश है आवाम को कि सृष्टि की संरचना में एक अहम भूमिका अदा करने वाले माँ के स्वरूप को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान ज्यादा प्यार और सुरक्षा दें, ताकि नारी मातृ सुख से वंचित कभी ना हो।